तो आपका हमारे YouTube चैनल पर आज कड़ी में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ब्लॉग वेबसाइट अभी फिलहाल नया मोनेटाइज हुआ है तो आप उस पर कैसे एड्स लगा सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो ये वाला जो मेरा ब्लॉग है तो अभी फिलहाल इसका न्यू मोनेटाइजेशन एनेबल हो चुका है। उसका ईमेल मैं आपको दिखा देता हूँ। आज सुबह ही इसका मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुका है, उसके बाद मुझे सारे के सारे पोस्ट पर ऐड लगाने हैं और साथ ही वो कैसे मैं ऐड लगा सकता हूँ इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ लगा सकता हूँ। जैसे कि दिखाने के लिए मैंने एक एड्स ऐसे लगा दिए, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ऐसे नीचे आने के बाद ऐसे ऐड लगाने का कोड आपको मिलेगा। ऐड यूनिट आईडी सबसे पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि एक ऐड है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे मैंने ब्लॉग की वेबसाइट ओपन कर लिए, जैसे आप देख सकते हो ऐड आना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने एक ही ऐड लगाई है, तो बाकी नीचे आने के बाद यहाँ से आप ऐड लगा सकते हो, जैसे बीच में भी ऐड लगा सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ से कोने पर, यहाँ पर भी बहुत सारी जगह पर आप ऐड लगा सकते हो। तो सबसे पहले ऐड यूनिट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एडसेंस ओपन करना है, देन आपके पास एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाय ऐड यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड यूनिट आईडी आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से नजर आ जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर गूगल की तरफ से भी यही रिकमेंड है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले ऐड यूनिट आईडी का नाम आपको यहाँ पर दे देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ऐसे दे सकते हो। जैसे कि मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे ऐड यूनिट ऐसे दे सकते हो वन, या से इस तरीके से ऐड यूनिट वन इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। ऐसे आप देख सकते हो इस तरीके से ऐड का कोड आपके यहाँ पर नजर आ जाएगा, इस तरीके से ऐड आपके ब्लॉग पर शो होगी। अगर आपको इसे थोड़ा बड़ा करना है तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, आप इस तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो वर्टिकल का ऑप्शन है, इस तरीके से बिग ऐड आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। जिस भी तरीके से आपको ऐड चाहिए आपके यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो मैं स्क्वायर रिकमेंड करूँगा, नहीं तो आप कोई किसी भी तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे मैंने स्क्वायर ऐड ऐसे क्रिएट कर लिए, ऐसे ऐड साइज आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे रिस्पॉन्स भी आपको सिलेक्ट रहने दे रही है। क्रिएट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐड यूनिट आईडी ऐसे क्रिएट करके रखे हैं, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो कोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। बाद में भी आप कॉपी कर सकते हो, इसे हटा देता हूँ। उसके बाद आप इस यहाँ से देख सकते हो, फिर से यहाँ से आकर दूसरे ऐड यूनिट आईडी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो नीचे आने के बाद ऐड यूनिट्स आपको दिख जाएंगे। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर जो भी ऐड, जैसे कि ऐड यूनिट वन यहाँ से क्रिएट कर दिए। उसके बाद आप दूसरे भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट करने के लिए ऐसे मैं इस पर जाता हूँ। अभी फिलहाल हमने पहले स्क्वायर किए थे, तो अभी फिलहाल मैं बड़ी वाली ऐड इस तरीके से क्रिएट करूँगा। तो ऐसे देख सकते हो मैं ऐड यूनिट इस तरीके से टू इसको नाम देता हूँ। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा इस तरीके से। इसकी भी कोडिंग आप ऐसे देख सकते हो, कॉपी कोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। इसे भी हटा देता हूँ। इसे भी हटा देने के बाद ऐसे देख सकते हो नीचे आने के बाद ऐसे आपको ओ भी मिल जाएंगे, जैसे कि दो हमने ऐसे क्रिएट कर लिया ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको फिर से कोड कॉपी करना है, तो आपको यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है। इसी कोड की मदद से आप पोस्ट में और साथ ही आपके ब्लॉग में ऐड लगा सकते हो। तो कैसे ऐड लगानी है, जैसे कि मैं जाऊँगा ऐसे ब्लॉगर डेट कोड पर, उसके बाद लेआउट का ऑप्शन है, इस पर जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल वेबसाइट हमारी इस तरीके से। तो ये जो ऐड है आपको यहाँ पर कोड ढूंढना है, कहाँ पर कोड है। जैसे कि मेरे फिलहाल ऐसे जो थीम सेक्शन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड का कोड मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऐसे देख सकते हो ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और जो भी कोड मैंने कॉपी किया है ऐसे पेस्ट करके ऐसे सेव का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे भी आपको यहाँ पर ऐड लगानी है, जैसे कि यहाँ पर ऐड कोड लगाने का ऑप्शन है, तो मैं नीचे जाऊँगा। नीचे आने के बाद ऐसे देख सकते हो थोड़ा सा मुझे ढूंढना है, ऐसे देख सकते हो ऐसे ऐड कोड लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल करके ऐसे जो भी कोड हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। देन ऐसे सेव का ऑप्शन है, मैं सेव इस पर क्लिक करूँगा, ऐसे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद ऐसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी ऐड आना शुरू हो जाएगी। सो आप ऐसे देख सकते हो सक्सेसफुली ऐसे ऐड आना शुरू हो चुका है, ऐसे देख सकते हो ऐड बाय गूगल का ऑप्शन आ चुका है, ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। ऐसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आप ऐड लगा सकते हो। दूसरी भी ऐड लगाना सिखाऊंगा, जैसे कि मैं एक पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसे पोस्ट पर बहुत सारी जगह पर ऐड आप लगा सकते हो अभी फिलहाल। तो चलिए जान लेते हैं कि मैनुअली पोस्ट पर आप कैसे ऐड लगा सकते हो। तो मेरी जो थीम है उस पर ऑलरेडी एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि मैं एक साथ सारे के सारे पोस्ट पर ऐड लगा सकता हूँ, वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक पोस्ट मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। एक पोस्ट मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, जैसे कि इस तरीके से एक पोस्ट है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर ऐड आएगी सिर्फ ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर वाली ऐड लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैंक दिखा रहे हैं, ऐड लोड हो रही है इस तरीके से। आपको अगर बीच में कहीं पर भी ऐड लगानी है तो आपको किसे ऐड लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको आना है ब्लॉगर पर, ब्लॉगर पर आने के बाद पोस्ट पर जाना है। मैनुअली आपको ऐड लगाने के लिए यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि मुझे इस पोस्ट पर ऐड लगानी है तो मैं इस पोस्ट को ओपन करूँगा। ऐसे एडिट का ऑप्शन है, जैसे आप एडिट करेंगे ऐसे देख सकते हो HTML व्यू का ऑप्शन है इस तरीके से। अब आपको ऐड लगाने के लिए इस तरीके से ग्रीन एरो आपको दिख जाता है, नहीं तो आपको इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको एरो दिख जाता है, इस पर आपको आगे क्लिक करना है। देन आपको इंटर दबा के ऐड पेस्ट कर आपको फिर से एक बार इंटर दबाना है इस तरीके से। यहाँ पर एक ऐड लगा दी, उसके बाद मैं नीचे भी एक ऐड लगा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर ऐसे इंटर दबा कर ऐड कोड पेस्ट कर ऐसे फिर से इंटर दबा दिया। इसी तरीके से ऊपर भी मुझे ऐड लगानी है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर बीच में एक ऐड लगानी है तो मैं इस पर दबाऊंगा इंटर, उसके बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से।
तो यहाँ पर एंटर दबाकर मैं फिर से ऐसे जो कंप्रोज व्यू है मैं इस पर क्लिक कर अपडेट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से ऐसे ऐड मैंने इस पोस्ट पर लगा दिए। तो इसी तरीके से आप दूसरे भी पोस्ट पर ऐसे मैनुअली ऐड लगा सकते हो। अगर एक साथ सारे के सारे पोस्ट पर आपको ऐड लगानी है तो आपको यहाँ पर जाना है लेआउट पर। लेआउट पर आने के बाद ऐसे देख सकते हो, अरे जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो भी पोस्ट आप टाइप करोगे उसमें भी ऑटोमेटिकली ऐड आपके आ जाएंगे। उसके लिए मेरे थीम पर एक ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको एक थीम डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस थीम की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे देख सकते हो नीचे आने के बाद ऐसे आपको इनसाइड पोस्ट ऐड और ऐसे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं। इनसाइड यानी कि पोस्ट के अंदर आपको ऐड देखने के लिए मिल जाती है डायरेक्टली। एक तो पोस्ट के जब पोस्ट आपकी शुरू होती है तब आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगी और लास्ट में आप देख सकते हो पोस्ट के नीचे यानी कि जब पोस्ट खत्म होती है उसमें आपको यहाँ पर ऐड देखने के लिए मिल जाती है। ये ऐड आपको सिर्फ एक बार लगानी पड़ती है, देन आपको यहाँ पर बार बार ऐड दिख जाएगी यानी कि सारे के सारे पोस्ट पर अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से सेटिंग है। तो मैं इस पर जाऊँगा एडिट पर, उसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोड पेस्ट कर लिया। उसी तरीके से आपको एडसेंस पर आना है। एडसेंस पर आने के बाद आपको ऐड यूनिट जो क्रिएट करना है उसके बाद आपको जो भी कोड अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने आप देख सकते हो कितने सारे कोड ऐसे क्रिएट कर रखे हैं। जो भी कोड आपको अच्छा लगता है ऐसे आपको गेट कोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, कोड कॉपी कर लेना है या से आना है ब्लॉगर डेट कोड पर। उसके बाद ऐसे देख सकते हो कोड पेस्ट कर आपके इसे एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपकी ऐड आना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से इस पर जाऊंगा, इसे भी मैं ऐसे पेड जो पोस्ट पर हमें जो भी कोड मिलता है वो डालकर आपका पास सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। मैं फिर से ऐसे जाकर आप देख सकते हो ऐसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख सकते हो थोड़ा सा वेट करने के बाद ऐड आना शुरू हो जाएगा। ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऐड आ रही है, उसके बाद ऐसे भी मैंने ऐड लगाई थी जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे भी ऐड लगाई थी वो भी आ रही है सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे लास्ट में भी आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरीके से, यानी कि आपको सारी जगह पर ऐड देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरे भी पोस्ट में आपको ओपन करके देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर भी ऐड लगाई है तो मैं इसे भी ओपन करूंगा। जैसे आप देख सकते हो फुल स्क्रीन भी डिस्प्ले ऐड भी आ रही है तो इसे मैं हटाकर जैसे पोस्ट ओपन कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ऐड लगाई है तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, क्योंकि अभी न्यू अप्रूवल मिला है तो ऐड आने में थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन 100% आपके ऐड आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप भी ऐसे सिंपल तरीके से आपके पोस्ट पर मैन्युअली ऐड लगा सकते हो। बाकी आपके पास साइट में भी ऐड लगाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फुटर में भी आपको ऐड लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। सारे के सारे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे ऐड लगानी है तो एक कोड आपको सबसे पहले ढूंढना है नीचे आने के बाद। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक कोड है, उसके बाद जैसे नीचे आने के बाद जैसे थोड़ा सा ऊपर जाना है या आप देख सकते हो या से एक कोड मिल जाता है या से उसके बाद जैसे देख सकते हो यहाँ पर भी एक कोड है। तो इसे भी आप ऐसे ऐड का कोड ऐसे डाल सकते हो। नीचे आने के बाद अगर आपको कोई भी ऐसे ऐड लगानी है, जैसे कि ऊपर ऐसे जो साइड बार है आप देख सकते हो ये साइड बार है, इस पर आपको कहीं पर भी ऐड लगानी है, जैसे कि ऐसे बैनर ऐड लिखा रहा है तो यहाँ पर मुझे ऐड लगानी है तो मुझे क्या करना है वो ढूंढना है। ऐसे आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी हाइड कर रखे हैं, वो सारे के सारे मैं एनेबल भी कर सकता हूँ ऐसे। और साथ ही ऐसे भी आपको एक कोड मिल जाता है, यहाँ से मैं सबसे पहले जो कोड है पेस्ट कर देता हूँ जो भी इन्हें कॉपी करके रखा है। देन आपको सिर्फ सेव का ऑप्शन है, आप सेव इस पर क्लिक करेंगे आपकी ऐड आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको जितने चाहो ऐसे ऐड यूनिट सबसे पहले क्रिएट करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे ऐड यूनिट मैंने क्रिएट कर रखे हैं। एक ही कोड आप ऐसे बार बार ऐसे पेस्ट कर सकते हो, ऐड आपके बिल्कुल चालू रहेंगे इस तरीके से। लेकिन मैंने दो वेबसाइट इससे लिंक कर रखे हैं इसलिए मैंने बहुत सारे कोड ऐसे क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा भी कोड क्रिएट करना है, दूसरे भी ऐसे जो ऐड साइट है या पर आपको कोड क्रिएट करना है या पर आप देख सकते हो, जैसे कि इनफीड, तो इसमें भी आपको कोड क्रिएट करना है तो आप इस पर क्लिक करना है। देन इस तरीके से आ जाएगा, या से आपको इस पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टर का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे यूआरएल डालकर आप ऐसे कोड ऐसे तैयार कर सकते हो। उसी तरीके से आप ऐसे देख सकते हो इन आर्टिकल का ऑप्शन है, आप इस पर भी कोड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेम डालना है, जैसे कि न्यू एड ऐसे इस तरीके से मैं डालूंगा। देन आपको यहाँ पर सेव एंड गेट कोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऐड आएंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ऐसे कॉपी कोड का ऑप्शन है, आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जो आप चाहो वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ऐसे फिनिश में कर देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो फिर से कोड लेने के लिए ऐसे वो इन आर्टिकल की ऐड आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि एक कोड में ले लेता हूँ सबसे पहले, या से कोड कॉपी कर लिया, दूसरी जगह पर मुझे ऐड लगानी है, जैसे कि साइड बार में यहाँ पर मुझे ऐड लगानी है। तो सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हो होम का ऑप्शन है, उसके बाद ऐसे रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन है, उसके बाद ऐसे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। तो मैं एक नंबर पर ऐसे होम वाला ऑप्शन पर ऐड लगाना चाहता हूँ। तो ऐसे देख सकते हो ऐसे मेनू, ऐसे मेन मेनू यानी कि होम पोस्ट है, तो जो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली ऊपर ऐड लगानी है तो डायरेक्टली आप न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जाऊँगा, एडसेंस का ऑप्शन है, आप एडसेंस इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, रिस्पेंस भी आपको सिलेक्ट रहने देना है। सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सेव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे एडिट पर जाना है, देन ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ऐड आपके गूगल के ले लेगा। कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कोड डालने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से अगर आपको नीचे भी और ऐड लगानी है तो यहाँ से देख सकते हो, फिर से जाना है ऐड गैजेट, इस पर क्लिक करना है, देन एडसेंस, उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे रिस्पेंस भी सिलेक्ट रहने देना है, देन सेव का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर ऐड नीचे लेनी है तो आप ऐसे नीचे ले सकते हो इस तरीके से। तो ऐड आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि रेलवे जॉब के नीचे मैं ऐसे ले लेता हूँ। ऐसे देख सकते हो ये हमारी ऐड है,
तो यहाँ पर अच्छी जगह है, तो अभी फिलहाल आपको दिखा देता हूँ ऐसे सेव करता, तो सेव मेरा हो चुका है। तो आप जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ऐसे जो भी साइड बार है यहाँ पर भी ऐड आना शुरू हो जाएगा। ऐसे देख सकते हो इस तरीके से, अभी फिलहाल हमने ऐड लगा दिया है, तो ऐसे देख सकते हो ऐड की जगह ऐसे नीचे हो चुके हैं। अभी फिलहाल न्यू ऐसे अप्रूवल मिला है तो हमें ऐड आने में थोड़ा सा देर लग सकता है, क्योंकि अभी न्यू अप्रूवल मिला है तो थोड़ी ऐड आने में थोड़ी आपको यहाँ पर देर लगती है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद ऐसे देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड आ चुके हैं। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे हमने ऐड लगाई थी, यहाँ पर भी ऐड आ चुके हैं ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से ऐड सक्सेसफुली आना शुरू हो चुका है। अब चाहो तो आप ऐसे नीचे भी कहीं पर भी ऐड लगा सकते हो, ऐड लगाने के वही तरीका है। जैसे आप देख सकते हो ऐड का कोड भी पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से, एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर जाकर ऐड का कोड भी ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन भी आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहो तो वहाँ पर भी ऐड लगा सकते हो। उसके बाद ऐसे नीचे भी ऐसे ऐड गैजेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडसेंस का कोड ऐसे डाल दूंगा, जैसे कि सेव का ऑप्शन है सेव, यहाँ पर भी ऐड आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे बीच में ऐड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो ये कहाँ पर है, डायरेक्टली नीचे, यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऐड लगाई है। तो एक बार रिफ्रेश करने के बाद वहाँ पर भी ऐड आना शुरू हो जाएगा। सो आप ऐसे देख सकते हो नीचे आने के बाद यहाँ से सक्सेसफुली ऐड आना शुरू हो चुका है, ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से। ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी ऐड लगानी है, जैसे कि ये ऊपर वाली आपको ऐड लगानी है, तो आपको डायरेक्टली ऊपर ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर जैसे कि मेरे फील्ड में ऐसे देख सकते हो यहाँ पर एक कोड ऑप्शन है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऐड गैजेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको एडसेंस का कोड मिलने के लिए ऑप्शन आ जाता है। ऐसे चाहो तो आप HTML कोड भी ऐसे डाल सकते हो ऐड का, उसकी मदद से भी ऐड ला सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर एडसेंस इस पर क्लिक करना है, और इस तरीके से आपने जो साइड बार में ऐड लगाए थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऐड लगा सकते हो। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड लगाने का ऑप्शन है, जैसे कि आपको इसके बीच में ऐड लगानी है, तो वही कोड आपको इस तरीके से हिला डुलाने का ऑप्शन मिल जाता है, चाहो तो आप ऐसे इसे यहाँ पर भी लगा सकते हो। इस तरीके से कहीं पर भी ऐड लगाने का ऑप्शन आ जाता है। अभी फिलहाल यहाँ से ऐड हट चुके हैं, ऐसे देख सकते इस तरीके से, और वो कोड यहाँ पर लग चुका है। इस तरीके से आप चाहो वहाँ पर ऐड लगा सकते हो, यहाँ पर ए ऐड आ चुकी है, चाहो तो ऊपर भी आप इसे लेकर जा सकते हो इस तरीके से जाती हुआ। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, आप सेव करेंगे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप एक पोस्ट में मैनुअली भी ऐड लगा सकते हो, और कुछ थीम में ऐसा भी सिस्टम मिल जाती है कि आप हर एक पोस्ट में ऑटोमेटिकली ऐसे फर्स्ट में और लास्ट में ऐड लगा सकते हो। जैसे कि मेरी ऐसे जो थीम है इसमें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ऐसे हर एक पोस्ट में टॉप में आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगी और लास्ट में एक ऐड देखने के लिए मिल जाएगी, और मैनुअली भी आप ऐसे ऐड लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से एडसेंस का न्यू अप्रूवल मिलने के बाद ऐसे आप ऐड लगा सकते हो। अगर आपको अर्निंग चेकआउट करनी है तो आपको जाना है ऐसे एडसेंस के अकाउंट पर, उसके बाद ऐसे देख सकते हो होम वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर सारी की सारी अर्निंग यहाँ पर शो कर देगी, जैसे कि स्क्रीन पर आप ऐसे देख सकते हो। इस तरीके से हमारी साइट की अर्निंग है वो भी आप ऐसे देख सकते हो। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।